गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है मेघा की गणेश पूजा और ये देखो ये रेडी नहीं हुई अभी तक। रेडी हो जाओ। बस होती हूँ अभी। और ये बताओ तुम, इतने दिनों से ना इसने यहाँ पे गिफ्ट रख रखे हैं, इसको खोलने वाली नहीं है। खोलने का अलग से व्लॉग आने वाला है। कब खोलेगी फिर? तरसा रखा है सिर्फ इसके लिए नहीं। ये देखो यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर है ना, ये मेरे लिए लेकर आई है पर खोलने नहीं दे रही है। जबकि दिख रहा है साफ कि ये है करके, तब भी खोलने नहीं दे रही है। सरप्राइज है करके। अब इसमें क्या सरप्राइज है? इसमें क्या सरप्राइज है मुझे ये बताओ तुम पहले। है ना कि जैसे मैं इनको खोलूंगी ना तो साथ में मैं उनको भी खोलूंगी ना, तो वो प्रॉपर एक गिफ्ट वाला अनबॉक्सिंग वाला ही व्लॉग बनेगा। आज का ड्रेसअप, ये है मेरी धोती जो कि रेडीमेड धोती है क्योंकि मेरे को पहननी नहीं आती है, और ये है कुर्ता। देखो मैं गणेश पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ। गणेश पूजा शादी के बाद होती है तो संदीप जी भी मेरे साथ पूजा करेंगे। संदीप जी ने पहन लिया है येलो कलर का कुर्ता जिसमें वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और मैं आपको कैसे लग रही हूँ? यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स आ गए हैं, सब लोगों ने अच्छा अरेंजमेंट किया है। कितनी प्यारी पूजा हो रही है देखो। तो अभी संदीप जी मुझे बुला रहे हैं, अब हम दोनों साथ में पूजा करेंगे। पंडित जी ने तो मुझे आज बताया कि आज तुम्हारी पहली रसोई है। अरे पर मैं कुछ रेसिपी तैयार तो करती, चलो देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। गाइस पहली रसोई में मैं बना रही हूँ आज मीठा, तो ये है खीर। क्या डालेंगे इसमें? तो किशमिश और बदाम तो है मेरे पास। बादाम दे दे मम्मी। हाँ। काजू मंगाए ना? कैसे चढ़ोगे इतने ऊपर? फिसलना मत। रुक जा कुर्सी ला रही हूँ। संदीप फिसलना मत। चढ़ जाऊंगा। अब क्या चाहिए बता? पिस्ता चीनी है यहाँ। ये लो अब बताओ क्या चाहिए। मम्मी तुमने पहली रसोई में क्या बनाया था? सब कुछ, खाना, दाल, चावल, खीर, पूरी, सब्जी। लो अब क्या चल रही है तैयारी? कहीं की दाल बना रहे हो? उड़द और अरहर की दाल। मुझे मूंग लगी थी। नहीं अभी नहीं खाओ, कुछ खाओ वो पहले। मैं हैवी फूड खाऊंगी ना तो ये इतना हैवी है। मोदक लड्डू ये तो उसके बाद खाता है ना। बना रही हूँ मैं चावल। कैसा लग रहा है? सही है, पहली रसोई अमरूद खाओ, आज मेरी पहली रसोई है, अभी खाना भी खाओगे। आपका पति क्या कर रहा है? पति कैमरा संभाल रहे हैं और तुमसे काम करवा रहे हैं। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कटप्पा की तरह ऐसे करो, फिर कत्थक करो, ऐसे करो, कह रहे दिखाता हूं मैं। सुप्रभात भाभी मां। सुप्रभात, सूर्य नमस्कार। एकदम कटप्पे की तरह भयंकर गंजन जो हो गए। तुम्हारा वचन ही है मेरा शासन। बन रही है मेरी दाल। देखो मैंने मंगल पड़ाव में एक गिफ्ट शॉप है वहीं पे जहाँ पे फल की टोकरी मिलती है, वहां से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे। इसके अंदर सिर्फ मखाने भर रखे उन लोगों ने, देख रहे हो? ऊपर ऊपर ही ऊपर सिर्फ एक परत में इन लोगों ने काजू किशमिश डाल दिए थोड़े बहुत, और पूरे मखाने पूरे इस थमगोल ये एल्यूमिनियम फॉइल के नीचे। मैंने भी सोचा यार इतने सारे ड्राई फ्रूट आराम से आ गए, इतने अमाउंट में है ना पापा, इससे आज आप बहुत क्यूट लग रहे। मुश्किल से जो है 100 ग्राम डालते हैं, रखते हैं ऊपर से और बाकी नीचे सारा कूड़ा भर देते हैं। वही पापा इन्होंने ऐसे कर दिया आज, पोपट हो गया। देख हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और। ये दिखाने के हैं और खाने के। ये मेरी चाची जी है, ये बहुत ज्यादा स्वीट है। तो अभी मैं दाल बना रही हूँ तो ये कह रही थी कि कल कर दो, तो मैंने कहा नहीं अभी तो फिलहाल तो नीचे आप फिर बाद में मैं बता दूंगी। ठीक है मेरे को बताना है। तो गाइस फाइनली अभी मैंने दाल बना दी है ऑलमोस्ट, आप देखो ये देखो मस्त खुशबू आ रही है। पूरी खीर मैं सर्व करने जा रही हूँ पापा को, उसके बाद मुझे मार्केट में बहुत सारे काम है, तो जल्दी से ही काम करके हम लोग खाना खा के चलते हैं मार्केट। मैं देता हूँ चम्मच। अरे पहले खाते लो फिर बहुत अच्छा खाना बनाया। अरे प्यारा प्यारा भोजन, टेस्टी ऐसे बोलो ना। बढ़िया सा खाना बना हुआ है आज हमारी बहू ने जो है हमारे घर में। थैंक यू पहले दिन जो है बहुत अच्छा खाना बनाया है। और खीर भी टेस्ट करो।
थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा बना है, खीर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। थैंक यू पापा। पीछे से हमें कमेंट्री कर रही हैं आप। मैं तो सर्दी वही बनता है, लिखो पढ़ो। लिखो पढ़ो मम्मी ने, लिखो पढ़ो कह के। तो पढ़ लिख लिया। अभी भी वही खा लो, अभी भी वही खा, अभी खा लो फिर लिखो पढ़ो। आओ फिर अभी। वहाँ मैं महंगा मंडप में बैठा हूँ ऐसे करके फेरे ले रहा हूँ, मम्मी कहरी पढ़ाई करो। ये सब तो होता रहेगा। अभी आप भी खा लो ना, अगर पढ़ो लिखो नहीं कहती ना, इतने आगे भी नहीं बढ़ते बाबू। अभी भी हमें लिखना पढ़ना ही है आगे, अभी भी लिखना पढ़ना है। जिंदगी में कभी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, समझे? हर मतलब सब्जेक्ट चाहे लाइफ में कुछ भी हो, वो सब एक पढ़ना ही होता है। मम्मी का एक डायलॉग होता है, समझे, समझी, समझी। तो यही खीर मेरी मम्मी और हमारी चाची जी के लिए। अरे नहीं मम्मी, एक ही बात है, मेरे बहू खाती नहीं है, पर मैं थोड़ा सा, आज पहली रसोई है इसकी, इसलिए इसको खिला प्लीज। चलिए दिखा लेते हैं, चलो चलो, एक ही में से खाएंगे। नहीं नहीं प्लीज यार, चल चलो ना प्लीज। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए तीनों, और यहाँ मेघा चला रही है गाड़ी, तो तीनों की जान हलक में अभी मेघा के हाथ में ही है। कुछ भी नहीं है, अच्छे से चलाना बस। नौटंकी घर है और कुछ नहीं। जय खाटू श्याम बाबा महाराज हमारी रक्षा करना। प्रभु प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? चला तो अच्छा रही है, गले तो पानी आ गया। धीरे धीरे क्यों आ गया गले? अरे हाथ मत छोड़ो, हाथ मत छोड़ो, धीरे धीरे। अरे छोड़ूंगी लो यार, लो वो देखो, इसको घर जाने मुझे लगता नहीं है, पहुंच जाएगा। आगे देख, आगे देख के चलाओ, इतनी अच्छी गाड़ी चलाती है। हां यार मैं बीमार हूं भाभी, प्लीज क्लच क्लच खो जाओ तुम। क्लच दबाना फिर ब्रेक दबाना। हाँ। आगे खत्म है रोड, आगे नाली डाल दो उसमें। भाभी यहाँ से रेस देखो, छाल दो ना एक बार। सीधा खेत में बैल गाड़ी बना दो बस। अब धीरे कर दो, धीरे कर दो, मेन रोड आ गई। क्यों क्या हो गया फिर मेन? धीरे धीरे, ओए धीरे धीरे, नहीं हो पाएगी, नहीं मोड़ पाएगी। क्लच दबा दे, पूरा पूरा क्लच दबा दे। ब्रेक अब हॉर्न तो भाभी घुमाएगी क्या? हॉर्न दबा तुम, उतर जाओ यार, यहाँ पर लोग पैदल पैदल चल रहे हैं खाली। वैंकर एक आध फोटो में छपक जाएंगे। गाड़ी काट, अरे डिस्क लेंगे हम, चलो अभी काटो गाड़ी। ना 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 वो बोलू, वो गिर जाएंगे पागल। क्यों गिरेंगे? मैं तो भाभी गाड़ी चलानी आ दी। बोलो नहीं, मुश्किल है यार। हाँ रोक दे तू, खाली यहाँ देखो, पूरी रोड खाली है, चल जाएगी गाड़ी। तुमने मेरे को दी कब गाड़ी? मुझे दी कब बताओ? प्लेन रोड पे अभी देकर देखो तुम मुझे, चलाऊंगी वरना तुम खुद देखना। मैंने भी थोड़ा घर रोड पे चलाई परसों, इतना अच्छा चलाती है तो खुद देखना, तो खुद बैठेगा गाड़ी में फिर देखना। तो मैं वो प्लीज यार मजाक से हटके सच सच बताओ, मैं कितनी अच्छी चलाती हूँ? अभी मुझे टर्न करना तुमने कभी करने ही नहीं दिया मुझे जब से। ठीक है मैं देखो कल सिखाऊंगी। मैंने पिथौरागढ़ रोड में हैरियर चढ़ाई चढ़ाई है, कहाँ पहाड़ों में चढ़ा दी चढ़ाई है। बस बैठने वाला बगल में कम्फर्ट करवाने वाला होना चाहिए। चल एक काम करो, मैं तेरे को सिखा दूँ, क्लच मार पूरा पूरा क्लच मार। ये रहने दो, यहाँ पे बगल में नहर है, नहीं चले जाएगा, रिस्क हो जाएगा। बच गए, मार खाओगे। आजा फिर देखो, ये नहर के कितने पास है, तुमने निकाली दी थी, बस थोड़ा सा एंगल खराब हो गया, थोड़ा सा एंगल, तो वही ना वही सीख रहा है मुझे बस।